वेलकम टू अच्छे दिन। अपने फेमस टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में अहम और जग्गी का रोल कर लाइमलाइट में आने वाले मोहम्मद नाजिम आज टेलीविजन इंडस्ट्रीज के मोस्ट पॉपुलर सेलेब्स में से एक हैं, जिन्हें कलर टीवी के सीरियल रूपमर्द का नया स्वरूप में देखा जाने के बाद टेलीविजन ड्रामा सीरीज साथ निभाना साथिया 2 में भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको नाजिम की लाइफ और करियर से जुड़े 15 ऐसे फैक्ट बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। नंबर 1, पंजाब से बिलोंग करने वाले मोहम्मद नाजिम एक ट्रेंड एक्टर हैं। बचपन से ही बॉक्सर बनने का ड्रीम रखने वाले रेसलिंग एवं वर्कआउट के शौकीन नाजिम की फैमिली के फिल्म इंडस्ट्री से संबंध व एक्टिंग और फिटनेस में रुचि होने की वजह से उन्होंने फिटनेस के साथ साथ अपने आप को एक्टिंग में ट्रेंड किया, इसलिए अर्ली लाइफ से ही एक्टिंग नाजिम का ड्रीम बन गई। नंबर 2, बचपन से ही हैंडसम 37 वर्षीय मोहम्मद नाजिम का जन्म 1 जनवरी 1984 को मलेरकोटला पंजाब के एक मुस्लिम फैमिली में हुआ, जिनकी फैमिली में पेरेंट्स व बड़ा भाई एवं 4 छोटी बहनों के बड़े भाई नाजिम बचपन से स्पोर्ट्स एक्टिंग व वर्कआउट जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। नंबर 3, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हायर एजुकेशन कंप्लीट कर फिटनेस ट्रेनर के तौर पर कैरियर स्टार्ट करने वाले नाजिम ने एक इवेंट्स की वजह से पंजाबी म्यूजिक वीडियो में मॉडलिंग व रैंप वॉक स्टार्ट कर लाइमलाइट में आई। नंबर 4, स्टार प्लस के सीरियल शौर्य और सुहानी से टेलीविजन डेब्यू करने वाले नाजिम को सीरियल साथ निभाना साथिया में देखने के बाद से ही कई सीरियल ऑफर हुए। सीरियल में उनके अहम और जग्गी के रोल को इतना पसंद किया गया कि उन्हें लाल इश्क और उड़ान जैसे टेलीविजन सीरीज में भी बेहद पसंद किया गया, मगर कलर टीवी की सीरीज रूपमर्द का नया स्वरूप और बहू बेगम ने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। उनके रोल को इतना पसंद किया गया कि नाजिम अब इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्रीज के मोस्ट पॉपुलर एक्टर बन गए, जिन्हें स्टार प्लस की ड्रामा सीरीज साथ निभाना साथिया 2 में डबल रोल में देख सकते हैं। नंबर 5, स्पोर्ट्स लवर मोहम्मद नाजिम ने स्पोर्ट्स रियलिटी एंटरटेनमेंट शो बॉक्स क्रिकेट लीग में अहमदाबाद एक्सप्रेस की ओर से टीम के प्लेयर के तौर पर भी पार्टिसिपेट किया। नंबर 6, टेलीविजन इंडस्ट्रीज के साथ साथ अपने डेब्यू फिल्म प्लॉट नंबर 666 में मोहम्मद नाजिम को इतना पसंद किया गया कि उन्हें बिग डैडी जैसी पंजाबी फिल्म में उनकी एक्टिंग को फैंस के साथ साथ आलोचकों द्वारा भी पसंद किया गया। नंबर 7, छोटे पर्दे बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मोहम्मद नाजिम को स्टार प्लस के सोप ओपेरा 1000 में मेरी बहना है और ये रिश्ता क्या कहलाता में गेस्ट के तौर पर देखने के बाद से नाजिम को कई शो में इनवाइट किया गया। शो में उनकी अपीयरेंस को इतना पसंद किया गया कि उन्हें नच बलिए दिया और बाती हम और ये है मोहब्बतें जैसे टेलीविजन शो में भी बेहद पसंद किया गया, जिन्हें बिग बॉस 13 की सफलता के बाद स्टार प्लस के स्टैंड अप कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर इन्वाइट किया गया। नंबर 8, नाजिम ने सीरियल साथ निभाना साथिया के दौरान आउटसाइडर एस्ट्रोलॉजर साइना सेठ को डेट करना स्टार्ट किया। नाजिम और साइना ने रिलेशनशिप को पब्लिकली डिस्क्लोज भी किया। दोनों को 2011 से हमेशा साथ साथ देखा जाता है एवं एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, मगर अब इंडस्ट्रीज में रूमर्स है कि दोनों अगले साल शादी करने वाले हैं। हम उनके सुखद जीवन की कामना करते हैं। नंबर 9, मोहम्मद नाजिम सलमान खान और अक्षय कुमार से बेहद इंस्पायर है। उनका मानना है कि दोनों ही इंडस्ट्रीज में आउटसाइडर होते हुए भी अपनी मेहनत और जुनून की वजह से टॉप पोजीशन पर है, जो यंगस्टर्स के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। नंबर 10, बचपन से फिटनेस फ्रीक नाजिम अपनी बॉडी का विशेष ख्याल रखते हैं। अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जिम में डेली पसीना बहाते हैं, रनिंग व साइकिलिंग करते हैं, जिससे उन्हें एनर्जेटिक रहने में बेनिफिट मिलता है। नंबर 11, नाजिम बहुत ही मजाकिया और हंसमुख इंसान है। उनका सोचने का नजरिया भी बिल्कुल वैसा ही है। लोग अक्सर सक्सेस पाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मगर नाजिम के साथ ऐसा नहीं हुआ। वह लोगों के साथ हमेशा खुश मिजाज एवं कूल माइंड नजर आते हैं। उनका मानना है कि लाइफ का कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए, इसलिए सबके साथ फ्रेंडली रिएक्ट किया जाए, जो उनकी सफलता का रहस्य माना जाता है। नंबर 12, अपनी हैबिट के चलते लाइमलाइट में रहने वाले नाजिम को दोस्तों के साथ घूमना फिरना व पार्टी करना बेहद पसंद है। वही ट्रेवलिंग से उन्हें बेहद प्यार है। मकाऊ और गोवा उनके फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहां वह छुट्टियां बिताना व पार्टी करना पसंद करते हैं। नंबर 13, स्टार प्लस के सीरियल दिया और बाती हम में सूरज का रोल करने वाले अनस राशिद और ये रिश्ता क्या कहलाता में सूर्य का रोल करने वाले आतर हबीब रियल लाइफ में नाजिम के कजन ब्रदर हैं, जिनसे वह बेहद प्यार करते हैं। नंबर 14, नाजिम का प्रॉपर लोगों से बात करना या फिर इंडियन या पंजाबी ड्रेसेस को ग्रेसफुली कैरी करना उनकी कई ऐसी क्वालिटी है जिनकी वजह से लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि वह अपने कल्चर बेस्ड एटीट्यूड से थोड़े टाइम में ही पॉपुलर हो चुके हैं। नंबर 15, नाजिम की लाइफ का एक ही मंत्र है, नेकी कर दरिया में डाल, काम में अपना 100% बेस्ट करो, सफलता पीछे चलकर आएगी। तो फ्रेंड, इस तरह वीडियो का एंड हुआ। ऐसी और भी दिलचस्प व इंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस इंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।